देश के नंबर वन शो देशित का और आपके साथ मैं अदिति त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। देश बदल रहा है और नए भारत में खबरों को पेश करने का तरीका, उनकी प्राथमिकता बदल रही है और देशित में आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि उस खबर का राष्ट्रीय दृष्टिकोण बताएंगे और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्रालय ने 106 स्वदेशी ट्रेन एयरक्राफ्ट खरीद को दी मंजूरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खरीदे जाएंगे HTTD-40 टैंक भेदी गोले और कोस्ट गार्ड के जहाजों में लगने वाली तोपें भी खरीदी जाएंगी। सुशांत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सभी पक्षों से गुरुवार तक लिखित में मांगा जवाब। रिया के वकील ने कहा, महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती है सीबीआई जांच। सुदीक्षा भाटी के पिता ने जी न्यूज से कहा, छेड़खानी की वजह से हुआ हादसा। बुलंदशहर पुलिस का दावा, सड़क हादसे में गई जान। देश में तीन तरह की कोरोना वैक्सीन पर चल रहा है काम। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कहा कोरोना से मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। रूस के कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जल्द ही बड़े पैमाने पर होगा उत्पादन। WHO का दावा, वैक्सीन से जुड़ी कोई जानकारी या डेटा मुहैया नहीं कराया गया। दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण के 1257 नए मामले। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। अब तक 147,391 संक्रमित। रिकवरी रेट 90% हुआ। उत्तर प्रदेश के 16 जिले बाढ़ से बेहाल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस का संकट सुलझने के बाद जयपुर लौटे सचिन पायलट समर्थकों में जश्न। पायलट ने कहा, जो होना होता है वो होता है, जो कहा गया उससे मुझे दुख हुआ। सर्जरी के बाद प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक। वेंटिलेटर पर हैं पूर्व राष्ट्रपति। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हुई थी ब्रेन की सर्जरी। कोरोना संक्रमित भी है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई हस्तियों ने दुख जताया। आज रात 9:30 बजे अंतिम विदाई दी जाएगी। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।